यवतमाल नांदेड़ इस निर्माणाधीन रेलवे मार्ग के गौन खनिज उत्खनन में बड़े पैमाने पर अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हुआ है। इस आशय का आरोप नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट महाराष्ट्र के राज्य सचिव अमोल कुमावार ने किया है। इस संदर्भ में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्धा यवतमाल नांदेड़ रेलवे मार्ग निर्माण में जारी उत्खनन में गौन खनिज की अवैध रूप से बिक्री कर संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों ने सरकार के करोड़ों के राजस्व को चूना लगाया है। कुमावार की मानो तो उन्होंने इस संदर्भ में पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन और अनशन किया था। तहसीलदार और जिलाधिकारी यवतमाल को उक्त मामले में सारे सबूत भी दिए गए। कई बार इस मामले की जांच करने की पुरजोर मांग भी की गई, लेकिन प्रशासन संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को बचाता आ रहा है। डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी उचल बांगड़ी होईल, वरील अधिकाऱ्यांचं काहीतरी भीती, या सगळ्या भीतीमुळे कोणत्याही पद्धतीची कारवाई केली जात नाही असा मला संशय आहे। परंतु त्याच्यामुळे भ्रष्टाचार हा रोखला जात नाही आणि भ्रष्टाचार तो लपवला जाणारच नाही, तो उघडकीस येणार म्हणजे येणार। आम्ही त्यांना शेवटला निर्वाणीचा इशारा सुद्धा दिलेला आहे, परंतु त्यानंतरही त्यांना कुठल्याही पद्धतीचा जाग येताना दिसत नाही आहे। त्याच्यामुळे जोपर्यंत पूर्ण महाराष्ट्रभर याचा वणवा पेटणार नाही तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही आणि याला सर्वस्वी जबाबदार जिल्हाधिकारी यवतमाळ राहतील, एवढंच आमचं म्हणणं आहे। आणि याच्यासाठी सर्व पत्रकार संघटना एकत्र याव्या आणि हा लढा द्यावा। प्रत्येक पक्ष पार्टी यांनी आम्हाला स्वतः सहभाग आहेच त्याच्यामध्ये, तर आमचं हे म्हणणं आहे की सर्वजणांनी एकजुटीने येऊन या लढ्यामध्ये सामील व्हा आणि खूप मोठं महाराष्ट्र राज्यव्यापी आंदोलन होणार आहे त्याच्यामध्ये सामील व्हा। इस मामले में संगठन ने जिले के अभिभावक मंत्री संदीप भूमरे को ज्ञापन सौंपा था, कार्यवाही की विनती भी की थी, लेकिन अफसोस की बात है कि इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। BCN न्यूज के लिए यवतमाल से जुबेर खान की रिपोर्ट।